नमस्कार, आज हम लोग बनाने वाले हैं घर पर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज्यादा टेस्टी चिकन कड़ी। तो चलिए दोस्तों, हम इस टेस्टी डिश का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम हल्का गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा सीड्स, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता। इन सबको डालकर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का डार्क होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज रफली चॉप्ड प्याज। प्याज डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज को हल्का ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक के 5 से 6 टुकड़े, 5 से 6 छिली हुई लहसुन की कलियां। अदरक और लहसुन डालकर अब हम सबको मिलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। और ये देखिए, प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट हो चुका है। ये परफेक्टली रेडी है। हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। चलिए तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 5 से 6 बड़ा चम्मच दही। सारा इंग्रेडिएंट्स डालकर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, आप इसे जितने अच्छे से मिलाइएगा, चिकन के अंदर मसाला उतने अच्छे से जाएगा, जिससे चिकन कड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। इसीलिए इसे अच्छे से मिलाएं। और ये देखिए, सारे चिकन के पीसेस अच्छे से मसाले के साथ कोट हो चुके हैं। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। और इधर फ्राइड मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम इसे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को स्मूथ करने के लिए ब्लेंड करते वक्त आप 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए, परफेक्ट स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए, पेस्ट का टेक्सचर ऐसा रहना चाहिए। अब हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल डालकर हम तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑनियन स्पाइस पेस्ट, जिसे हमने इससे पहले वाले स्टेप में रेडी किया था। अब हम पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। चार से पांच मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी डालकर हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चार से पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर,
एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर। सारा पाउडर मसाला डालकर हम दोबारा अच्छे से मिलाते हुए भुनेंगे। हमें मसाला को तब तक भुनना है जब तक कि मसाले से अच्छे से तेल सेपरेट होते हुए दिखे। दोस्तों, ये चिकन करी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपना व्यू कमेंट करना ना भूलें। मसाले से तेल अच्छे से सेपरेट होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन डालकर हम चिकन को अच्छे से भुने हुए मसाले के साथ मिलाते हुए कुक करेंगे। हमें चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। दोस्तों, अगर आपको ये डिश बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चिकन की कोई और रेसिपी बनाना चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे इजी और टेस्टी चिकन के डिशेस दी हुई हूँ, आप उन सबको भी जरूर ट्राई करें और अपना व्यू कमेंट करना ना भूलें। 10 मिनट हमने चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा अच्छे से मिलाते हुए फ्राई करेंगे। दोस्तों, ऐसा करने से चिकन और मसाला दोनों अच्छे से मिलता है और चिकन के अंदर तक अच्छे से मसाला जाता है, इसीलिए चिकन को हमें अच्छे से फ्राई करना है। दोस्तों, चिकन करी के साथ लच्छा पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, और अगर आप घर पर आसान तरीके से लच्छा पराठा बनाना चाहें तो मैंने लच्छा पराठा का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लच्छा पराठा भी जरूर ट्राई करें, ये बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। दस से पंद्रह मिनट चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। पांच मिनट हो चुका है, चलिए हम इसका कवर हटाते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे चिकन अच्छे से कुक हो रहा है। हम इसे हल्का सा इस तरह से मिला लेंगे। चिकन को कुक होते वक्त हमें बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहना है, वरना चिकन नीचे पैन पर चिपक सकता है। अब हम इसे कवर करके दोबारा 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, हम इसका कवर हटाएंगे और इसे दोबारा हल्का सा मिला लेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालकर हम इसे दोबारा अच्छे से मिलाते हुए कुक करेंगे। गरम मसाला अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आप अपने हिसाब से पानी डालें, जैसा कंसिस्टेंसी का आपको ग्रेवी चाहिए हो।
अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। बीच बीच में कवर हटाकर चिकन को मिलाते भी रहें, वरना 15 मिनट लगातार लो फ्लेम पर कुक होने से चिकन पैन पर चिपक सकता है। अब हम कवर हटाकर एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी लेकर हाथ से हल्का क्रश करेंगे और कुक हो रहे चिकन में डाल देंगे। कसूरी मेथी हल्का क्रश करके डालने से चिकन कड़ी में बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। कसूरी मेथी डालकर हम चिकन को अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे। अब हम चिकन को कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दोबारा कुक होने देंगे। 5 मिनट हो चुका है और चिकन करी परफेक्टली रेडी है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस टेस्टी डिश को सर्व करने की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, चिकन करी देख कर ही कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन पर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।